हम सब यहां पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम राज्यसभा के मेंबर हैं, हमारी जिम्मेवारी है स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। ये सरकार क्या कर रही है? 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि जो भी टैक्स लेगी भारत सरकार 40% स्टेट को देना पड़ेगा। ये सरकार टैक्स की बजाय सेस लेने जा रही है, इसलिए कि सेस से पैसा आएगा, राज्य सरकार को उसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ये जो पॉलिसी अपनाई है, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय महोदय, मैं ये जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी तो जो है ना, बहुत शालीन है, बहुत अच्छी है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, JNU, जिसको आजकल ये लोग देशद्रोहियों का अड्डा कहते हैं, पर वहां से बड़े बड़े अच्छे लोग निकले हैं। पर ये बजट में एक दिक्कत है, इसमें वित्त मंत्री का दोष नहीं है। जिस कैबिनेट में मंत्री अपना PA या PS नियुक्त करने में आत्मनिर्भर नहीं हो, वो बजट आत्मनिर्भर कैसे होगा? तो उसमें वित्त मंत्री जी का मैं दोष नहीं मानता हूं। वो तो उसी JNU में से उसने जीवन साथी भी पसंद किया, और वो जीवन साथी है जिसके संस्कार और बैकग्राउंड सारा कांग्रेस का खानदान का रहा है, ऐसा जीवन साथी भी JNU से मिला है। महोदय, मैं कहूंगा अभी खेल के पैसे काटे हैं। राज्य वित्त मंत्री जी को मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि जरा कभी कभी वो ठाकुर वाला अपने में भी दिखाओ यार, आप तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो, वो पैसे काट रहे हैं, तो जरा उधर भी ठाकुरपन थोड़ा दिखाना पड़ेगा। कभी कभी अंदर वालों को भी वो दिखाना जरूरी होता है। माननीय सब महोदय, यहां पे कहा गया कि मंडी बंद नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं क्यों बंद होगी? एक काले कानून आने की वजह से जो APMC चलती है किसके ऊपर चलती है? आप कहीं पर भी सामान बेचो, APMC का टैक्स भरना पड़ता है, इससे मंडी चलती है। आप इस काले कानून में लाए हो, ऑनलाइन बाहर मंडी के बाहर भी सामान बेचेगा, APMC की सेस उसको नहीं मिलेगी। बताओ मुझे APMC कैसे जिंदा रहेगी जिसके पास और कोई चारा ही नहीं है? एक किसान मत समझो आप, एक कुदरत का दिमाग भी पहचान लेता है, तो तुम्हारा काला कानून तो कैसे भूल पाएगा, वो जरूर पहचान लेता है। ये मत कहो कि उसने कानून को समझे नहीं है, ये कहो कि हमारे कानूनों को किसान अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए वो आंदोलित हुए हैं, इसलिए वो जान दे रहे हैं, इसलिए वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं।